आज हम पहुंचे हैं स्वर्गीय मालती चौहान मिस्टर विष्णु राज के गांव पर काली जगदीशपुर में, और यहां पर आयुष म्यूजिक जो कि स्टूडियो का ओपनिंग था, यहां पर देख सकते हैं आज ही की दिन इस स्टूडियो का ओपनिंग था, जो कि यहां के सिंगर हैं अरविंद साहनी जी, आयुष मिश्रा जी, प्रोवाइडर आलोक मिश्रा जी। यहाँ पर देखते किस प्रकार की सुविधा से ये स्टूडियो सिंगरों को गाने गवाने में लाभ देगा। हम लोग अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो कि स्टूडियो जो कि आज ही के दिन ओपनिंग हुआ है, देख सकते क्या किस प्रकार की स्टूडियो है। यहाँ पर हमारे साथ है आयुष मिश्रा जी, स्वागत है। पहले पूर्वांचल तक न्यूज यूट्यूब चैनल से जितने लोग देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है और आपको धन्यवाद कि आप मेरे स्टूडियो को ओपनिंग में आए हैं। क्या मकसद था कि स्टूडियो डाला जाए? और मकसद यही है भैया, देखिए अभी तक हम दूसरे स्टूडियो से काम करते थे और सिंगिंग के लिए सबसे जरूरी जो इम्पोर्टेंट है स्टूडियो, अपना खुद का स्टूडियो। तो ये मान लीजिए स्टूडियो ना, मान लीजिए कि होम स्टूडियो है अपने लिए खुद है, और मान लीजिए जो भी बाहरी कलाकार आना चाहते हैं यहाँ पे गाने रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और गरीब सिंगर यहाँ पे ज्यादातर काम गरीबों का होगा। मान लीजिए जिसके पास पैसा नहीं है मैं उसका काम फ्री में करूँगा। जो सिंगर उभरते हुए सिंगर है जो की जिनके पास पैसा नहीं, पता है स्टूडियो की तरफ से क्या सुविधा मिलेंगी? अब गरीब सिंगरों के लिए देखिए, अभी गरीब का मतलब ये नहीं है कि आप अगर जो नहीं गा पाते हैं, गा तो मैं भी नहीं पाता हूँ, लेकिन जो भी है अगर जो आपके अंदर थोड़ा भी क्वालिटी है तो उन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। अब जिसके अंदर क्वालिटी ही नहीं है उसको क्या सपोर्ट करेंगे, बाकी अपना पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। अगर जो हाँ, अगर जो उन लोग के अंदर क्वालिटी है तो बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा, और मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका एक रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा यहाँ से, जितना काम मैं खुद कर सकता हूँ। और बाकी मान लीजिए वीडियो का काम है और जो लोग बाहर से जिन लोगों को बुलाना है उसका चार्ज लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या अश्लीलता भी शुरू होगी आपके स्टूडियो से? नहीं, मेन मकसद है रंगदारी। हम लोग स्टूडियो खोलने का मतलब यही है कि अश्लील नहीं, रंगदारी। किस प्रकार का रंगदारी? रंगदारी का मतलब दिखाना है कि हम भी कुछ है। यहाँ पे कुछ ब्लॉगरों को देखते हैं, कोई जज बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई आधा शरीर दिखाने वाले जज बन जाते हैं, तो हम लोग तो बहुत सही। जज कौन बना था भाई? नाम नहीं बोलेंगे भाई, आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी यूट्यूब देखते होंगे। कुछ आधा शरीर दिखा के फेमस होने वाले लोग जिसको जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है वो सब जज बने हैं। मैं तो उन लोग को कभी देखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी आ जाता है कुछ चिरकुटो, क्या बोलूं, उन लोग को बोलना भी नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन मेन टारगेट उन्हीं लोग को दिखाना है कि कुछ अच्छा करना है, अच्छा मार्केटिंग करना है। क्या इनका साफ तौर से कहना है कि हमारे स्टूडियो पे सिर्फ रंगदारी चलेगा और यहाँ पर अश्लीलता नहीं चलेगा? नहीं, रंगदारी नहीं बोला, मतलब रंगदारी वाले गाने। रंगदारी वाले गाने? हाँ। हम कह रंगदारी, हम मारपीट उठोगा भाई? नहीं भैया, अभी हम लोग की उम्र उतनी नहीं है कि मारपीट करे, और बाकी कभी करना भी नहीं है। हाँ। अभी वो सब देखा जाएगा। स्टूडियो से पहला गाना कौन सा आ रहा है? स्टूडियो का पहला गाना एक रिकॉर्ड हुआ, दो गाना कल रिकॉर्ड हुआ है, एक मेरे बड़े भाई गाए हैं सिंगर अरविंद साहनी, आयुष मिश्रा के बड़का फैन है रे, और मैं गाया हूँ दुर्गेश भैया बरांडा में, कोई ऐसे कुछ है गाना। कोई गाना क्या शुरू हो जाए? अब गाना तो कोई गाना ठीक है। तो हके बना के लाइनी कनिया तोहर झेले खातिर परेशानिया, अरे धन हमर हमरे लमाना बा तक बैंक में रखाई जवनिया। लड़की का लाइन है, लड़की का लाइन है। जी जी जी। कि मन में जे तोहरा सहबार रही राजा जी, पातरे कमरिया जिंदगी भर रही। देख सकते हैं कितनी सुरीली आवाज है आयुष मिश्रा जी की, जो कि यहाँ पर सिंगिंग करेंगे और संत कबीर नगर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में अपना नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल नहीं, जैसे जानते हैं अभी सुरीली आवाज नहीं है, देखिए जो पब्लिक देख रहे हैं उसको पता होगा सुरीली आवाज इसलिए बोला जाएगा, क्या है कि हम लोग तीन दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तबियत भी खुद मेरा बहुत डिस्टर्ब था और रात भर हम लोग सोए नहीं है। हाँ। स्टूडियो का काम करना था, बाकी अभी रात में हम लोग रिकॉर्डिंग किया है, 1 बजे तक रिकॉर्डिंग किया है, फिर 3 बजे उठ गए हैं, अभी 2 घंटे खाली सोए हैं, तो आवाज में थोड़ी घरघराहट है। कई गाना आपका वायरल भी हुआ है? हाँ, गाने सैड सॉन्ग मेरे वायरल हुए। सैड सॉन्ग कोई हो जाए बढ़िया, जो वायरल हुआ था आपका मेरा गाना सैया बिना से जिया कटार लागे नदी, सैया बिना से जिया कटार लागे नदी।
छह मिलियन लगभग गया है गाना। 6 मिलियन देख सकते हैं। एक गाना इनका बहुत तेजी से वायरल हुआ था जो कि 6 मिलियन क्रॉस कर गया था। इनको बहुत प्यार दुलार उत्तर प्रदेश पूरे भारत बिहार से लोगों का मिला था और सपोर्ट मिला था, सही नहीं? मैं यही चाहता हूं कि जो मेरे गाने वायरल हों वो गाने मैं कहीं भी चला सकूं, फैमिली हो, अच्छी जगहों पे। ये गाना जो है सैया बिना सजिया कटारे लागे नंदी, ये गाना अश्लील नहीं है, ये सैड सॉन्ग है और लोकगीत है। इसको देखा जाए तो बहुत प्यारे शब्द इस गाने में भी, इसके आगे अगर सुनेंगे आप बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं जी जी। और ये गाना इसका लिरिक्स सिंगिंग तो मुझे अपनी सिंगिंग नहीं पसंद है, बाकी जो है कि लिरिक्स जो है मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। जो तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि मेरे जो है सैड सॉन्ग ही चलें और बाकी रंगदारी सॉन्ग, और बाकी अश्लील नहीं। अश्लील देखा जा रहा है सबसे तेज भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन फैला रहा है, कौन सिंगर है, खुलासा कर दीजिए। चंदन चंचल। चंदन चंचल गोल्ड स्टार। क्या कहेंगे उनके लिए? क्या कहूँगा, सबकी सोच है। हम भी गाना गाए थे तो कुछ मीडिया वाले सुधार दिए हमको, तो हम भी एक गाना खाली गाए थे। चंदन चंदन चंचल के लिए कुछ कहती थी? अब उतने बड़े स्टार भैया मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छे हैं जो भी अच्छे हैं। भोजपुरी को सही दिशा दिखा रहे हैं? नहीं, भोजपुरी को कहेंगे किसी को सही दिशा नहीं दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये ढोंडी ओंडी शब्द थोड़ा गड़बड़ है, बंद हो जाए ना। हाँ बंद हो जाए तो ही ठीक है। अरे कुछ अच्छा करिए, सैड सॉन्ग गाइए, सैड सॉन्ग जो कि लोग सुने पसंद करें। चंदन चंचल देखा गया था लगभग 7-8 साल पहले, अच्छा अच्छा गाना गाए थे फिर भी वायरल हुआ था। नहीं, चंदन चंचल का गाना हम तभी नहीं सुनते थे, अभी नहीं सुनते। देखिए हम सैड सॉन्ग खाली पसंद करते किसी का हो, वो चंदन चंचल का सैड सॉन्ग किसी के दीवाने है का भाई? हाँ सैड सॉन्ग के दीवाने हैं किसी? नहीं नहीं किसी के दीवाने नहीं, आज तक कोई आया नहीं ना आएगा। बिल्कुल अश्लीलता नहीं चलेगी आपके यहाँ? नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अश्लीलता मान लीजिए अभी आप आते अगर कोई सिंगर आ गया कह गया भैया हमको ये गाना गाना है तब? अब होने लायक रहेगा तो ही, अब अगर जो ज़्यादा गहराई में चला जाएगा तब वो नहीं होगा। देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे सिंगर आयुष मिश्रा जी, जो कि इनका आज ही के दिन जो कि स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है, और आप लोग इनको प्यार दुलार दीजिए। इनका यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर संपर्क करें, और जो भी सिंगर गाना गाना चाहते हैं आके जरूर संपर्क करें। और नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, आज नया साल है आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को, हैप्पी न्यू ईयर, और नए साल के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो।